अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की फिजिक्स की बुक जो है उसमें तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर निशानात लगाएंगे। वीडियो बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि जब भी पेपर करीब आते हैं तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उन पर निशानात लगा दें ताकि हम उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। फिर बार बार के वीक बच्चों की ख्वाहिश को सामने रखते हुए हम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की है। जो क्वेश्चंस हम लोगों को इंपॉर्टेंट लगते थे वो वाले क्वेश्चंस, और जो पिछले 5 साल के अंदर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या उसके अंदर आ रहे हैं वो वाले क्वेश्चंस, तो ये दो तरह के क्वेश्चंस को आपस में मिला के डेटा तैयार किया जो कि वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए निशानात लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इधर आंसर तो नहीं बता सकता क्योंकि हर टीचर जो है इस तरह की चीज़ें अपनी क्लास में कर चुका होता है। तो मेरा काम यहाँ पे इस वीडियो में जस्ट हाईलाइट करना है कि क्वेश्चन किस तरह से बन के आ सकता है और उसको आपको खुद ही देखना होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन सब के आंसर्स पता भी होंगे, मुझे बस जस्ट चीज़ों को हाईलाइट करना है। जैसे आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, अब वाइब्रेटिंग जो है वो किसे कहा जाता है, इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे स्टेट हुक्स ला, अब हुक्स ला किसे कहा जाता है, यहाँ पे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो आप आपके टीचर ने अगर आपको नहीं भी बताया तो आप जस्ट गूगल पे हुक्स ला डालें, वहाँ से आपको डेफिनेशन नज़र आ जाएगी, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल हो रही है गूगल पे डालो, वहाँ से डेफिनेशन उठाओ और उसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस कम वक्त के अंदर बस इस वीडियो के अंदर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपकी बुक में। अब जैसे अगर मैं इस टॉपिक को हाईलाइट कर दूँ तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको खुद देखना होगा। मैंने बस इस टॉपिक को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, फार्मूला फॉर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के एंड इट्स यूनिट। तो फार्मूला लिखना है के का, यानी कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का, और उसका यूनिट बताना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसके अलावा इस फार्मूले को देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हुक्स ला करके है, इस लाइन को देख लीजिएगा, इसमें भी कुछ अहम बात हो सकती है। आगे अगर चलें तो डिफाइन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। राइट इट्स यूनिट, इसका यूनिट बताइए। तो इस चीज़ को भी आप जहन में रखिएगा। जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनको तैयार कर लीजिएगा, जो नहीं मिलता वक्त कम है उसे आप छोड़ दीजिएगा। कम वक्त के अंदर प्लान बदलते रहते हैं और बदलने भी पड़ते हैं और बदलने भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रिस्टोरिंग फोर्स जो है, इस आई थिंक छोटा ना नज़र आ रहा हो आपको, अब नज़र आ रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसको देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आगे अगर चलें तो ये फार्मूला जो है आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस फार्मूले को यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये सब नज़र आ रहा होगा। राइट इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडोलम। ठीक है, तो ऐसे करके तो इधर ये जो डेफिनेशंस आएंगे अभी, ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ये आ गए। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन की, टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी की, एम्पलीट्यूड की, तो इनकी डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। और साथ में ये जो एग्जांपल्स है इसको भी आप इम्पोर्टेंट समझिएगा। बाकी ये जो टॉपिक है इसके आगे भी IMP लिख देता हूँ। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो आप खुद देखिएगा, आपके टीचर्स ने उम्मीद करता हूँ बताया होगा आप लोगों को। इसके अलावा आगे अगर चलें तो फर्दर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस तरह से बन के आ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये आपको क्वेश्चन की सूरत में तैयार करना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, तो उसकी वजह बताइए। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ये दो क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा इधर जो है ये लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा वो आप खुद देखिएगा। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। बाकी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे LQ लिख दिया। और इसके अलावा आगे अगर चलें तो कंप्रेशन और यहाँ पर ये वर्ड आ गए, अब कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस, इनकी डेफिनेशंस देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन, तो इसको आप हैंडल कर लीजिएगा कि क्या डिफरेंस है। बाकी आगे अगर चलें तो ये एक टॉपिक आएगा, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये वाला, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो लॉन्ग भी लिख देता हूँ और
शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया, इसके अलावा ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसका जवाब आप देखिएगा कि डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेव लेंथ, इफ नॉट हाउ आर दिस क्वान्टिटीज रिलेटेड। ठीक है, तो अब ट्रांसलेट करने की तो मुझे ज़रूरत है नहीं, समझ गए होंगे, क्योंकि ये वक्त तो जस्ट हाईलाइट करने का है। और आगे अगर चलें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल गई होगी, यस ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रिपल टैंक जो है, ये शॉर्ट और लॉन्ग के यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे अगर चलें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे हाउ डज क्रस्ट एंड ट्रफ आर प्रोड्यूस्ड इन अ वाटर वेव्स, तो कैसे बनती हैं पानी के वेव्स के अंदर क्रस्ट और ट्रफ, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हाईलाइट करूँ तो ये लाइन आप देख लीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, आगे अगर चलें तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, इस चीज़ को देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन ये है, तो ये इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्दर आगे चलें तो यहाँ पे डिफ्रेक्शन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे IMP लिख देता हूँ। अब चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा, अब रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। रिव्यू क्वेश्चंस में चलें तो ये रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप पहला, दूसरा, उसके बाद पाँचवा और फिर सातवां, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है हमारे मुताबिक। आगे अगर चलें तो कॉन्सेप्चुअल के अंदर चलें तो ये वाला और एक, और न्यूमेरिकल्स में चलें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे अगर चलें तो 10.4 जो न्यूमेरिकल है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और 10.5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर यहाँ पे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अब नज़र आ रहा होगा आपको कि व्हाट इज मीन्ड बाय लाउडनेस ऑफ साउंड, और सेकेंड व्हाट फैक्टर्स डज अ लाउडनेस डिपेंड्स, कौन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे लाउडनेस नज़र आ रहा होगा आपको, ये लाउडनेस नज़र आ गया, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ से है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह से बन के आ सकता है, जैसे ऐसे मैंने लिख दिया, ये भी एक टाइप है क्वेश्चन बन के आने की एक शक्ल है। आगे अगर चलें तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, व्हाई द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज श्रिल, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो इसको मैं हाईलाइट करूँ तो ये पिच का टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ये जो क्वालिटी है इसको आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी श्रिल वाली आवाज़ वगैरह यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसे आप अपनी तरफ से फिर जो आपके अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आगे अगर चलें तो यानी कि इम्पोर्टेंट है पिच भी, और उसके बाद क्वालिटी भी। आगे अगर चलें तो इंटेंसिटी साउंड की, ये भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह से बन के आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने क्वेश्चन के एक टाइप लिखी है कि ऐसे बन के आ सकता है कि डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्राइव द रिलेशन फॉर साउंड इंटेंसिटी लेवल, ऐसे भी आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, राइट डाउन फार्मूला एंड यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड डिफाइन जीरो बेल। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा ये दोनों क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है इंटेंसिटी वाला इम्पॉर्टेंट है, और ज़ीरो बेल जो है वो यहाँ पे जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये ज़ीरो बेल है, यहाँ से आप जवाब निकाल सकते हैं। आगे अगर चलें तो आगे यहाँ पे यस ये जो डेसिबल स्केल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा डेसिबल। ठीक है, यहाँ से यानी कि व्हाट इज़ डेसिबल स्केल, यहाँ से आप जवाब एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। आगे अगर चलें तो ये 11.1 जो एग्जांपल है इसे आप देख लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अगर चलें तो एक इम्पॉर्टेंट है ये वाला इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा रिलेशन कैन बी यूज्ड, यानी कि यहाँ पे आप आ जाएं, ये रिलेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड,
तो ये रिलेशन रहा, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विच इक्वेशन इज यूज टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ये एग्जाम्पल 11.2 इसे भी आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे आगे चलें तो नॉइस पोल्यूशन वाला टॉपिक जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इससे आप जैसे क्वेश्चन जो है इसका कैसे बन के आ सकता है अगर उसको देखें तो ये अब नज़र आ रहा होगा, हाउ कैन यू रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो इसमें से मुख्तलिफ किस्म के सवाल आ सकते हैं, आप देख लीजिएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूजिकल साउंड, यानी नॉइज़ साउंड और म्यूजिकल साउंड के दरमियान क्या फ़र्क है, ये देख लीजिएगा। तो इसका अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ये म्यूजिकल साउंड, और यहाँ से ये लाइन आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा नीचे आए तो ये अकोस्टिक प्रोटेक्शन वाली डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, आके डिफाइन अकोस्टिक एकूस्टिक प्रोटेक्शन, आगे राइट इट यूजेस, इसके इस्तेमाल पूछे गए हैं। आगे अगर चलें तो रिवर्बरेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। इससे आगे चलेंगे तो अल्ट्रासाउंड का टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है, इससे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल फील्ड, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आप लोगों का। व्हाट इज मीन बाय सोनार, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। मेडिकल फील्ड का क्वेश्चन का आंसर जो है यानी यहाँ से आप देख सकते हो हिंट के तौर पर, अब इसे देख लीजिएगा, सोनार कहाँ पे, ये सोनार का वर्ड है, यहाँ से इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी अब इसके रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, रिव्यू क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये रिव्यू क्वेश्चन आ गया, और इसमें 11.7 एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। और इसके अलावा 11.15, तो ये रहा 11.15, अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा 11.18, ये तीन क्वेश्चंस आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी आगे अगर चलें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ गए, इसके अंदर से हमारे मुताबिक तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो आगे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, सॉरी यूनिट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो इस यूनिट की तरफ चलें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप देख लीजिएगा। और बाकी ये क्वेश्चन जो नज़र आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस चीज़ का आंसर भी आप डिटेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इनको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फर्दर आगे चलें तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, यह सब सही है, ठीक है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आप देख लीजिएगा डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आप देख लीजिएगा। आगे अगर चलें तो कनकेव मिरर वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा और डायग्राम के साथ देखिएगा, ठीक है। फर्दर आगे चलें तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आएगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रिंसिपल फोकस का टॉपिक आप देख लीजिएगा, नीचे फोकल लेंथ है ये, तो ये सब डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये थोड़ा अलग अलग हो गया, तो ये एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था। बाकी ये रहा, इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा, इससे फ़ायदा होगा आपको, इम्पॉर्टेंट है। फर्दर आगे चलें तो मिरर फार्मूला आएगा यहाँ पर, यहाँ पर ये आ गया मिरर फार्मूला, इस डेफिनेशन को देख लीजिएगा। इससे आगे चलें तो एग्जाम्पल एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको देखनी चाहिए, एग्जाम्पल 12.2, ठीक है, तो ये हो गया। इससे आगे चलें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आ गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी, ठीक है, इससे ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देखिएगा इसमें से कौन कौन से सवाल बन सकता है। स्नेल्स लॉ, जैसे डिफाइन स्नेल्स लॉ एंड इट्स फार्मूला, ये एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस एंड वाटर, तो ये आइस है और ये वाटर है, तो इनको भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। फर्दर आगे चलूँ तो यहाँ पे एग्जांपल 12.3 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको फ्रेम में ले आते हैं, यह सब नज़र आ रहा होगा। तो ये एग्जांपल नंबर वन, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इसी तरह व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन विद डायग्राम, राइट टू कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन
बन सकते हैं, वो भी लॉन्ग, ठीक है। तो इससे आप देख लीजिएगा, क्रिटिकल एंगल यहाँ पे है, इस डेफिनेशन को देख लीजिएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसे देख लीजिएगा, बाकी ये एग्जाम्पल 12.4 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये माइंड में रखिएगा। फर्दर आगे चलें तो एंडोस्कोप जो है यहाँ पे आ जाएगी, ये सी आ गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसे देख लीजिएगा। इससे यानी कि गैस्ट्रोस्कोप और ये वाली स्कोप जो है इससे आप देखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ब्रोंकोस्कोप एंड गैस्ट्रोस्कोप, ये आप देख लीजिएगा। फर्दर आगे चलें तो आपके पास लेंसेज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इससे जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास मौजूद हैं वो आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे व्हाट इज़ कन्वेक्स लेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसके अलावा इस पैराग्राफ में आप इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजीज के अंदर जो है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी आगे चलें तो पावर ऑफ लेंस का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये आ गया पावर ऑफ लेंस, इसे आप माइंड में रखिएगा। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, ये आ गया इमेज फॉर्मेशन, तो आप इसे भी यानी कि देखिएगा, ये फिगर जो है इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी जो है आगे 12.6 है, 12.6 की तरफ जाएं, 12.6 ये आगे 12.6, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस एग्जांपल को देख लीजिएगा। आगे चलें तो मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर वाला टॉपिक। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आप लोगों के पास हैं इन्हें देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे क्वेश्चन, राइट डाउन नेम ऑफ टू माइक्रोस्कोप, तो ये एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। इसके बाद आगे अगर चलें तो टेलीस्कोप जो है वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये टेलीस्कोप आ गया, ठीक है। और ये जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप, जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है। इससे आगे चलें तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन वाला टॉपिक पे जाना होगा, नीचे चलें तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, और नीचे चाहें ये रहा डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा ये टॉपिक भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे भी जो भी सवाल बनता है वो आप देख लीजिएगा। बाकी एक और यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक सवाल ये बन सकता है कि हाउ फार साइटेडनेस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, तो कैसे करेक्ट किया जा सकता है इसको। तो जैसे ये यानी कि हाईलाइट करना मेन मकसद है, क्वेश्चंस आप लोगों को पता होंगे कि किसके कौन से बन सकते हैं। बाकी सीधा अब आप रिव्यू क्वेश्चंस पे जाइए, रिव्यू क्वेश्चंस पे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2.8 और 2.9, ठीक है। तो ये रहा आपके पास 2.8 और 2.9, इन दो क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये तो पहले भी कवर हो चुका है। बाकी 17 उन यहाँ पे 12.17 और इसके अलावा 12.19 और 12. यानी कि ये हो गया, इसके अलावा 21 एक ये हो गया। तो ये भी तीन इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स में से भी दो न्यूमेरिकल्स जो हैं हमारे मुताबिक वो इम्पॉर्टेंट हैं, 2.3 और 2.4। तो ये रहा 2.3 और ये रहा 2.4, तो इन न्यूमेरिकल्स को भी देख लीजिएगा। और लास्ट में भी निशान लगे हुए हैं 11 और 12, तो यहाँ पे ये आ गया न्यूमेरिकल नंबर 11 और न्यूमेरिकल नंबर 12, तो ये चार न्यूमेरिकल्स इसके आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा, इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चलें तो एक टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। और इसमें एक सवाल भी बन सकता है यहाँ पे, व्हाट इज़ मीन बाय पॉइंट चार्जेस, के पॉइंट चार्जेस जो है वो किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर जो है आप इस पैराग्राफ में जो है ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, ये तो वही बात है, इस डेफिनेशन को भी आप देख लीजिएगा। आगे अगर चलें तो कूलम्स लॉ है, यहाँ पे आ जाएगा ये वहाँ, ठीक है।
तो ये हाईलाइट किया लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इम्पोर्टेंट है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो टॉपिक है, डेफिनेशन है सॉरी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डेफिनेशन को देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसे भी देख लीजिएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये तीनों चीज़ें देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन भी जैसे यहाँ पे बन सकता है, डिस्क्राइब टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज बयान करिए। इसके अलावा आगे अगर चलें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे अलावा आगे चलें तो यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक होगा, कैपेसिटी, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये नज़र आ रहा होगा, व्हाट इज़ डाइइलेक्ट्रिक एंड गिव एन एग्जांपल, तो इसे आप देख लीजिएगा, अगर मैं बताऊँ फिर भी कोशिश करूँ, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये रहा, यस एक्चुअली यहाँ पर अंदर आया हुआ है इसलिए पता नहीं चला, तो ये लास्ट में डाइइलेक्ट्रिक की उस क्वेश्चन का आंसर बताया गया, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, डिफाइन कैपेसिटेंस, ये देख लीजिएगा, डिफाइन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके जो आंसर्स हैं वो ढूंढ लीजिएगा। जैसे 1 फेरेड है, ये आप देख लीजिएगा, ये एग्जांपल जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से ये इम्पोर्टेंट है, इससे आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यानी इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे 13.3 एग्जांपल जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कैपेसिटर्स इन सीरीज लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इससे आगे चलें तो दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, यस ये डिफाइन फिक्स कैपेसिटर्स और गिव एन एग्जांपल, तो ये फिक्स कैपेसिटर वाला यहाँ से इस क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और इसकी एग्जांपल भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है एक, अगर उसको ढूंढें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैं बोल रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नीचे आईएस ये रहा कि सम हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी आप क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। बाकी अब हम रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं, रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ चलें तो ये आ गए रिव्यू क्वेश्चंस, इसके अंदर 13.9, तो ये 13.9 हो गया, 13.13 तो ये 13.13 हो गया, इसके अलावा 15 और 17 भी देख लीजिएगा, ये 15 और ये 17, ठीक है, तो ये रिव्यू हो गए। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स की तरफ चलें तो न्यूमेरिकल्स में 13.1 देख लीजिएगा, 2 देख लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 भी इम्पोर्टेंट है, 6 भी इम्पोर्टेंट है, 7 और 8 भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये यूनिट भी ख़त्म हुआ, आगे की तरफ चलते हैं। तो इस यूनिट में देखें तो आपके सामने ये करंट की डेफिनेशन जो है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये करंट की डेफिनेशन अहम है, इसे आप देख लीजिएगा। बाकी आगे कन्वेंशनल करंट है, ये रहा कन्वेंशनल करंट, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि यहाँ लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कन्वेंशनल करंट, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। और इसके बाद आगे अगर चलें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे EMF कहा जाता है, तो ये यहाँ पे आगे चलें तो ये आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर चलें तो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इस टॉपिक को अच्छे से हर तरह के क्वेश्चन जो इसके अंदर से बन सकते हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे व्हाट इज़ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है, ये भी इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो जैसे मैंने वोल्ट को हाईलाइट कर दिया। और इसी तरह डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, तो आपको पता होगा कि इसमें से लॉन्ग बनेगा तो क्या और कैसे बनेगा, ठीक है। आगे अगर चलें तो ओम्स लॉ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पेज पे चले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी देख लीजिएगा। और 1 ओम का क्वेश्चन जो है ये बन के आ सकता है। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि डिफाइन थर्मिस्टर, के थर्मिस्टर किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यानी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे आप
इसमें से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आप जरूर देखिएगा। आगे अगर चलें तो कंडक्टर्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर्स ये आ गया, जैसे क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो इस तरह से सवाल बन के आ सकता है। इसे इंडिविजुअली तौर पर इंसुलेटर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी कवर कर लीजिएगा। आगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लीजिएगा। फर्दर आगे चलें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्दर आगे चलें तो एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट है 14.5, तो 14.5 ये 6 आ गया, 5 कहीं पीछे चली गई, यस ये रही, ठीक है, ये 14.5, ठीक है, ये एग्जांपल आप देख लीजिएगा। आगे अगर चलें तो ये यहाँ पे एक लॉ आएगा जॉल्स लॉ, इसे आप देख लीजिएगा। इसका मुख्तलिफ किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे डिफाइन जॉल्स लॉ एंड राइट द फार्मूला, ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन्स जॉल्स लॉ। तो ये मुख्तलिफ लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी 14.6 आगे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को तैयार करिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्दर आगे चलें तो इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। और इसके अलावा ये जो डेरिवेशंस हैं इसे भी आप देख लीजिएगा, जैसे प्रूव करने को कहा जा सकता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है, इसे प्रूव करके दिखाओ, तो इस किस्म का क्वेश्चन इससे बन सकता है। आगे अगर चलें तो किलोवाट आर जो है ये क्या होता है डिफाइन करके आपसे पूछा जा सकता है, जैसे प्रूफ करो ये क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन ये वाट है, ठीक है, वाट एंड किलोवाट, इसमें फ़र्क बताइए, ये क्वेश्चन भी इस तरह से भी करके पूछा जा सकता है। आगे अगर चलें तो करंट और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे अगर चलें तो हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, ये आ गया, इसमें क्या सवाल बन सकता है कि डिस्क्राइब टू मेजर डैमेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे करके बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी देख लीजिए। इससे आगे चलें तो लास्ट में यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि मैं लिखना भूल गया कि डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर, तो ये एक क्वेश्चन है जो आपने सुन लिया होगा, इसके ऊपर काम कर लीजिएगा। इसके बाद आगे अगर चलें तो समरी से पहले भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, हाँ ये रहा, ठीक है, राइट डाउन कलर कोडिंग वायर, कोडिंग ऑफ वायर एंड अर्थ वायर, ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन वायर से बना होगा, यहाँ पे कहीं आप इसके अंदर से ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, कि क्या फ़र्क है। तो आगे अगर चलें तो रिव्यूज़ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, रिव्यूज़ क्वेश्चंस की तरफ चलें तो 14.4, ठीक है, 14.5, 14.6 और 14.7 और 14.9 और 14.12, ठीक है, तो ये रिव्यू क्वेश्चंस आप ज़रूर देखिएगा, अब नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। बाकी 14.3 जो है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी एक ये बन सकता है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये न्यूमेरिकल्स आ गए, इन न्यूमेरिकल्स में 14.3 और 14.4 और 14.6, ठीक है, तो ये तीन न्यूमेरिकल्स इसमें अहम है, ये ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें तो ये आ गया नेक्स्ट चैप्टर, और इसमें ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसकी डेफिनेशन ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें कवर कर लीजिएगा। और हैंड ग्रिप रूल को मुख्तलिफ तरह से पूछा जा सकता है, राइट हैंड ग्रिप रूल को, इसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर कॉइल को पूछा जा सकता है, इससे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर चलें तो डिफाइन राइट हैंड रूल, वही बात, ये क्या होता है ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक, इसे तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आगे अगर चलें तो राइट डाउन टू वेज टू इंक्रीज मैग्नेटिक फोर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आगे अगर चलें तो ये स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये आप ज़रूर तैयार करिएगा।
आगे अगर चलें तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये स्प्लिट रिंग के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे देख लीजिएगा। जैसे व्हाट इज द फंक्शन टू स्प्लिट रिंग इन डीसी मोटर, तो डीसी मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है, जैसे ये क्वेश्चन बन गया। बाकी आगे चलें तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इन तीन चारों पॉइंट्स को देख लीजिएगा आप, ठीक है। आए आप स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। आगे अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे लास्ट में पेज पर ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा कि फैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्टेट फैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। एक तो ज़्यादा देर काम करो तो फिर आवाज़ जो है वो लड़खड़ाने लग जाती है और समझ में नहीं आता। खैर एनीवे, इसमें समझने वाली बात तो है नहीं, समझ में आ रही होंगी चीज़ें, हाईलाइट ही करना है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये लेंस लॉ जो है, इसके जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन जनरेटर्स एंड मोटर्स, ये इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करिएगा, यानी कि ये जनरेटर्स वाला टॉपिक। बाकी आगे म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक है, यस, ये इससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आप ज़रूर उन्हें देखिएगा। और फर्दर आगे चलें तो ट्रांसफार्मर्स के टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसे तैयार कर लीजिएगा आप लोग। और आगे चलें तो यहाँ पर व्हाट इज़ एन आइडियल ट्रांसफ़र, ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ आई ट्रांसफ़र राइट इट्स टाइप, यानी कि ट्रांसफ़र क्या होता है और इसकी टाइप्स लिखिए, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फर्दर आगे चलें तो लास्ट में यहाँ पे फंक्शन ऑफ रिले जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। और अब चैप्टर तो ये ख़त्म हो गया, इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कुछ इम्पोर्टेंट है उसकी तरफ आगे बढ़ें तो ये आ गया कॉन्सेप्चुअल। इसके अंदर 15.3 और 15.6 जो है ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें देख लीजिएगा। और फर्दर ये 15.9 भी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की तरफ चलें तो इसके न्यूमेरिकल्स हमारे मुताबिक तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपको आते हैं तो दोहरा लीजिएगा। इसके बाद अगले चैप्टर की तरफ चलें तो फर्स्ट पे थर्मियोनिक एमिशन, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप देख लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये बना हुआ, हाउ जे थॉमसन प्रूव डेट कैथोड रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एक क्वेश्चन जैसे ये बना हुआ, व्हाट इज मीन बाय थर्मियोनिक एमिशन, एक्सप्लेन द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझिएगा, जितने भी एस्पेक्ट से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है जैसे ये दो टॉपिक ऊपर जिक्र किया गया, तो इनके भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। फर्दर आगे चलें तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है, सीआरओ, इसे आप लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। और इसके अलावा इसके जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें भी आप चेक कर लीजिएगा, जैसे कि राइट द नेम ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ सीआरओ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप देख लीजिएगा डेफिनेशन या इसमें क्या बोला जा रहा है। आगे अगर चलें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस आपको बताना है एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दरमियान, तो इस क्वेश्चन को भी इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा, जो जो क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। डिफाइन एनालॉग क्वांटिटी एंड राइट एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन ये बना हुआ। फर्दर आगे चलें, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, ये डेफिनेशन है जैसे, इसे भी आप देख लीजिएगा। आगे अगर चलें हम तो यहाँ पे आ जाता है, इसे आप देख लीजिएगा, एडीसी और डीएसी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आ गया राइट द नेम ऑफ लॉजिक कंपोनेंट्स, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद आगे अगर चलें तो जैसे व्हाट इज़ मीन बाय बूलियन अलजब्रा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे इसको हाईलाइट करूं इधर तो ये यहाँ पे कहीं डेफिनेशन है इसकी, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ओ ये रहा, ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप देख लीजिएगा। फर्दर आगे चलें तो ये वाला टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी देख लीजिएगा। जैसे ड्रा सिंबल, जैसे ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे अगर चलें तो जैसे ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इसके यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। आगे अगर चलें तो इस
गेट को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे अगर चलें, यूजेस आप देख लीजिएगा, यहाँ पर यूजेस हैं, यहाँ से भी एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये टॉपिक या जितनी भी चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें से आप देख लीजिएगा कौन सा शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग बन सकता है, तो वो सब कर लीजिएगा। हो सकता है कि मैं कुछ कहना या बताना भूल जाऊँ। बस मेन चीज़ जो बार बार बोल रहा हूँ कि टॉपिक्स अहम हैं, ठीक है। रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ चलें तो ये पहला क्वेश्चन, इसके बाद कॉन्सेप्चुअल की तरफ चलेंगे। कॉन्सेप्चुअल के अंदर ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें तो इसमें आप देखिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जैसे ये लिखी हुई है। इसके अलावा ये डेफिनेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। ये टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो चीज़ है से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इधर से हार्डवेयर जो है इसकी डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है ये वाला, और इसे आप देख लीजिएगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे अगर चलें, फैक्स मशीन और सेल फोन वाला टॉपिक अहम है, इसे आप दोहरा लीजिएगा या इस पर एक निगाह डाल लीजिएगा। इसके बाद आगे अगर चलें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन सकता है। ये फोटोफोन भी देख लीजिएगा, इसमें क्या बात की जा रही है। आगे अगर चलें तो ये कंप्यूटर का टॉपिक है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इधर से क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने लिखा नहीं, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ रोल ऑफ सीपीयू इन कंप्यूटर, तो इस तरह का क्वेश्चन बनके इससे आ सकता है। इसके बाद मेमोरी की तरफ चलते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनका डिफरेंस जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। हाउ मैनी बाइट्स आर इन मेगा बाइट्स, तो ये आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन के शॉर्ट में आ सकता है। इसके अलावा हार्ड डिस्क का टॉपिक है यहाँ पे, इसे आप देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलें तो कॉम्पैक्ट डिस्क यहाँ पे आएगा, ये से आ गया, ठीक है। इस टॉपिक को देख लीजिएगा, व्हाट इज मीन बाय डीवीडी, इस तरह का बनके क्वेश्चन आ सकता है। फ्लैश ड्राइव ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लीजिएगा कि राइट वन फीचर करके इसका क्वेश्चन बनके आ सकता है। राइट द वन फीचर ऑफ फ्लैश ड्राइव ऐसे करके आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे अगर चलें तो इंटरनेट का टॉपिक है, डिफाइन इंटरनेट, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से जो जो क्वेश्चन बन पा रहे हैं। बाकी वेब ब्राउजिंग, इस टॉपिक को, ईमेल, इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन, यानी फिर अगेन से इन टॉपिक को हाईलाइट करने का मतलब ये है कि इधर से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद रिव्यू क्वेश्चन आ गए, ये आ गए हमारे रिव्यू क्वेश्चन। इसमें से फर्स्ट आप देख लीजिएगा, फोर्थ देख लीजिएगा, और इसके अलावा टेंथ देख लीजिएगा, और नाइन देख लीजिएगा, और इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल में टू क्वेश्चन देख लीजिएगा। फर्दर आगे चलें तो ये चैप्टर आ जाता है, तो इधर से आप एटॉमिक नंबर, ये केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ रखा होगा, इनके डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा, और इनका डिफरेंस जो है वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको आप हाईलाइट रखिएगा जब भी तैयारी कर रहे हो। उसके बाद आगे अगर चलें तो आइसोटॉप्स का एक टॉपिक आ जाता है, यहाँ पे कहाँ पे गया, ये रहा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। आगे राइट द नेम ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है, ये आप देख लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से रखिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट इज़ मीन बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा रेज, ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होती है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट द स्ट्रॉन्ग फोर्स। और इसके अलावा आगे अगर चलें तो बैकग्राउंड रेडिएशंस, इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, इसमें क्या मेन चीज़ है, जैसे हाईलाइट करें तो ये बैकग्राउंड रेडिएशंस, और इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और नीचे चलें तो ये
न्यूक्लियर वाला ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस ये आगे पेनिट्रेटिंग एबिलिटी इस टॉपिक को देख लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो है इसे देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गैमा पार्टिकल, गैमा रेज जो है ये देख लीजिएगा। उसके बाद आगे अगर चलें तो यहाँ पे एक टॉपिक आएगा रेडियो आइसोटॉप्स। यस ये आगे रेडियो आइसोटॉप्स यूजेस। यहाँ पे स्टेबल न्यूक्लियाई है इसको देख लीजिएगा। नेचुरली अनस्टेबल जो है यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ इनको पढ़ लीजिएगा, इनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे ये टॉपिक आएगा, इसे आप देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियर वाला फ्यूजन, ये आप देखिएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हैजर्ड्स इनके रेडिएशंस के ये तैयार करिएगा। इसके रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ चलें तो रिव्यू क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है 18.1 ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ चलें तो कॉन्सेप्चुअल की तरफ चलना है तो ये 4, 5 और इधर प्रॉब्लम्स की तरफ चलें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट 5 ये अब नज़र आ रहा होगा, तो ये आपके आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 18.9 ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरह से मैंने कोशिश की, यानी हम लोगों ने कोशिश की आप लोगों के लिए कुछ आसानी पैदा करने के लिए। बाकी अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, और अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये वक्त जो है आप लोगों का वापस नहीं आएगा, ठीक है। ओके जी, अगले वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।